भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सीपीएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य दलों के नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता राकेश सिंह की एक खास रिपोर्ट। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर पार्टी दफ्तर गोल मार्केट में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी कॉमरेड हैं वो खड़े हैं। इसके अलावा दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है, हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। सीताराम येचुरी एक कहा जाए महान नेता, शुरुआत बचपन चेन्नई में बीता, इसके बाद जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई हैदराबाद में, इसके बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया जहां पे सेंट स्टेफेंस कॉलेज और इसके बाद जेएनयू, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान वो जेल गए थे, लिहाजा उनकी पीएचडी की जो डॉक्टर लगाने का, नाम के आगे डॉक्टर लगाने का सपना था वो अधूरा रह गया। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा वो दिखाएं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में जो कॉमरेड हैं वो, इसके अलावा जो आम जनता है वो दर्शन के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए है। उनकी इच्छा यही है कि जल्द से जल्द उनका अंतिम दर्शन मिल जाए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा एक लंबी लाइन दिखाएं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो जनता है उनके अंतिम दर्शन के लिए लालायित है, वो उनका अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो कैसे जनता के बीच में प्रिय थे। कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।